हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं होममेड टैंगी पनीर पिज्ज़ा। तो ये बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है पिज्ज़ा बेस। मैं यहाँ पर होल व्हीट पिज्ज़ा बेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मैदे वाला भी कर सकते हो या घर पे भी हैंड टोस्ट बना सकते हो। अब हम इस पिज्ज़ा बेस के ऊपर सबसे पहले लगाएंगे मेल्टेड बटर। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बटर लगाने से क्या होता है कि आपका जो बेस होता है वो अच्छे से टोस्ट हो जाता है और काफ़ी क्रंची रहता है। बटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इस पे लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लेन मेयोनीज। आप तंदूरी मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हो, बट प्लेन यहाँ पर यूज़ करनी बेस्ट रहेगी। जी, इसके बाद मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। और मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्प्रेड करें, क्योंकि बटर लगाने के बाद ये मिक्स थोड़ी मुश्किल से होती है, बट आप इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर शेज़वान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेयो और शेज़वान चटनी साथ में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो घर पे बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बन जाती है। इफ़ यू वांट द रेसिपी देन प्लीज़ कमेंट बिलो। अब आता है पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चीज़। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, प्लस मैंने इसमें पिज़्ज़ा मिक्स चीज़ यूज़ करी है, जो कि आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है। बेसिकली आप कोई भी चीज़ डालो, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर चीज़ पुल चाहिए तो आप सिर्फ मोज़रेला डालो, वरना आप ब्लेंड चीज़ भी डाल सकते हो। आई गेस ब्लेंड चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें टेस्ट और चीज़ पुल तो नहीं होता है। उसके बाद मैंने अपने पिज़्ज़ा बेस पे रखे थोड़े से पनीर के पीसेस। इस पनीर में मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर से मैंने इसको मिक्स कर दिया था। एंड उसके बाद आप अपनी वेजिटेबल्स लगाइए। मैं यहाँ पर अनियन को थोड़ी फैंसी तरीके से रख रही थी, आप कैसे भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने इस पर डाला कॉर्न्स, फिर मैंने इस पर डाली कैप्सिकम। आप इस पे कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपको इसको चिकन बनाना है तो आप इस पे चिकन पीसेस या सलामी पीसेस कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद जब मैंने अपनी वेजीज को सेट कर लिया तो मैंने बीच में एक टमाटो भी रखा था, वो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर आपको टमाटो पसंद है तो आप भी ऐसे रख सकते हो। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डालेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, पिज्ज़ा बनने के बाद भी आप डालते हो, बट पहले भी डालना। अब बारी आती है चीज़ डालने की, तो आप इसमें जितनी मर्जी चाहो उतनी चीज़ डाल सकते हो। मेक श्योर कि आप एजेस पर ज़्यादा चीज़ स्प्रेड ना करो, क्योंकि ओवन में जो चीज़ होती है वो मेल्ट होके बाहर गिरने लग जाती है। अब अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव है जो कि कन्वेंशन मोड पर चलता है, तो आप इसको 180 डिग्रीज पर 10 से 15 मिनट तक बेक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्री हीट फॉर 10 मिनट्स। अगर नहीं है तो नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा बटर या घी लगाकर उस पे इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक बना सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पिज्ज़ा बहुत ही अच्छा बना था। इसका बेस बहुत क्रंची था, राइट अमाउंट ऑफ चीज़ था। इफ़ यू लाइक द रेसिपी डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट बिलो।